अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर क्या है पीएम का प्लान, बीजेपी का क्या है चुनावी प्लान, और सुखबीर बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर क्या आरोप लगाया। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी पूरे सूबे का दौरा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में 13 और 14 दिसंबर को पीएम का वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का कार्यक्रम है। वहीं 18 दिसंबर को पीएम शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और 25 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर चुनावी समीक्षा के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं। यहां नड्डा पश्चिम क्षेत्र के 3 मंडलों के 25,000 बूथों के अध्यक्ष को जीत का मंत्र देंगे। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथों से लेकर संगठन स्तर के नेताओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रदेश कार्यालय में राज्य के सभी जिला महानगर व विधानसभा अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें अखिलेश अपनी टीम की चुनाव तैयारियों को परखने के साथ ही संगठन को मजबूत करेंगे और चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। AIMIM उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना एक सियासी मोर्चा बनाएगी। इसका ऐलान कल कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में किया जाएगा। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के मुताबिक पार्टी पहले से घोषित 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और मोर्चे के दूसरे घटक दल बाकी 303 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दक्षिण गोवा के मोरपिरला गांव में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ मुलाकात की और उनके साथ लोक नृत्य किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि अगर यहां हमारी सरकार बने तो हम पूरी तरह से जनता की सेवा में लगेंगे। आज की सरकार अपने गिने चुने उद्योगपति दोस्तों के लिए काम करती है। पंजाब के मानसा में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को रोकने के दौरान पुलिसकर्मियों ने पहले तो बस में डाल दिया और फिर बस के अंदर ही लाठियों से पीटा। मामले पर अकाली दल ने कांग्रेस से ट्वीट कर पूछा है कि अपनी मांग करने पर इन युवाओं पर आखिरकार इस तरह से बर्ताव क्यों की जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल के वरिष्ठ नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। अकाली दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि खुफिया इनपुट होने के बाद भी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा को लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर खनन करवाने का आरोप लगाया गया है। सुखबीर बादल ने कर्मचारियों से अपील की कि धरने देने बंद कर दें और अकाली दल सरकार आने पर उनके मसले को हल किया जाएगा। सुखबीर रोपड़ में अकाली दल और BSP की संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के लिए रैली करने अनाज मंडी में पहुंचे थे। उत्तराखंड में आजकल CM के PRO का एक खत वायरल हो गया है जिसमें SP बागेश्वर से 3 लोगों के चालान माफ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने मामले को सदन में उठाया और कहा कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से इस तरह चालान छुड़ाने के लिए खत लिखे जाएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पुलिस कैसे सुधारेगी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।